वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स है अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास मुथूत फाइनेंस। एंड मुथूत फाइनेंस को देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है। रेसिस्टेंस के ऊपर ये अब नहीं जा पा रहा। जब भी ये रेसिस्टेंस के पास जाता है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है जहाँ से ये हर बार ऊपर की तरफ चला जाता था, मगर इस बार ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आ रहा है। यानी कि मार्केट लो बनाया, ट्रेड लाइन को तोड़ा, लेकिन कंप्लीट क्लोजिंग नहीं मिला कैंडल यहाँ पे। वापस मार्केट रिवर्स हो गया, वापस से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये जो प्रीवियस लो है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मुथूत फाइनेंस इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हम लोग वेट करेंगे कि मुथूत फाइनेंस 1264 रुपीज़ के नीचे जाए। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1281 रुपीज़ का, 1281 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1235 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1157 रुपीज़। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है। इवन इसका जो सपोर्ट था सपोर्ट को मार्केट तोड़ दिया, ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, जस्ट प्रीवियस लो के नीचे जाने का वेट करना है। अगर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 291 रुपीज़ 30 पैसा के नीचे जाता है, यानी कि प्रीवियस लो के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो वापस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 291 रुपीज़ 30 पैसा के नीचे हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगा देंगे 296 रुपीज़ 95 पैसा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 283 रुपीज़ 60 पैसा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 273 रुपीज़। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास ट्रेंड लिमिटेड। एंड ट्रेंड लिमिटेड को देखेंगे तो ये भी अपना सपोर्ट को क्या दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ये इसका क्या था, सपोर्ट था, मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा, रीटेस्ट कंप्लीट किया, जस्ट प्रीवियस लो के नीचे जाने का वेट करना है। अगर ट्रेंड लिमिटेड 2036 रुपीज़ के अगर नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे इसको। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2074 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1971 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1880 रुपीज़। अब हम लोग निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पे क्या करने वाला है। तो निफ्टी ओवरऑल आज एक अच्छा खासा हाई बनाया था, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते होते संग संग गिरा, एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल गया। वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी बाइंग जारी है। यानी कि लो पे मार्केट बनाया, मतलब मार्केट एक लो तो बनाया लेकिन लो से रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल हम लोग देखेंगे कि निफ्टी इस ट्रेड लाइन को तोड़ के नीचे आ रहा है या फिर मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जा रहा है। मार्केट जैसे बिहेव करेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि अब हम लोग को सेलिंग प्रेशर तब देखने को मिलेगा जब मार्केट आज का लो को निफ्टी यानी कि 19,930 के नीचे जाएगा। आज का जो लो है उस लो के नीचे अगर निफ्टी आता तो वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वरना मार्केट इसी तरीके से साइडवेज होकर ऊपर जाने का कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी भी सेम वही चीज़ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इवन ये जो ट्रेड है इसको हम इरेज करते हैं एंड आज का जो लो है ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी वापस अपना आज का लो को तोड़ेगा तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वरना बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी का ये एक सपोर्ट का तरह काम कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल हम बता देते कितना, 45,300 का एक राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 45,300 पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग नज़र आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मे बी बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस ऊपर जाने का कोशिश करेगा। सेलिंग प्रेशर हम लोग को तब देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में जब ये 45,300 का लेवल को तोड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो ओवर ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। वॉलीटिलिटी थोड़ा हाई होगा, 12-1 बजे के बाद में आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना मार्केट देख के समझ में आ रहा है कि साइडवेज हो चुका है। बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है एंड ये बैंक निफ्टी का एक रेसिस्टेंस है, तो
सेलर्स यहाँ पे दोनों पोजीशन को सेल करके बैठ चुके हैं। 12-1 बजे के बाद में प्रीमियम डे के काफ़ी अच्छा हो चुका होता है। ऐसे में प्रीमियम का प्राइस 10-12-15 रुपये के आसपास में आ जाता है आउट द मनी। तो वहाँ पे अपना ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे। वो स्क्वायर ऑफ होने के बाद मार्केट में वापस से वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि हीरो जीरो वाला ट्रेड एक्टिव होगा उस टाइम। बाय।